आज हम देखेंगे, आप एब्डोमेन की सीटी करते हो तो उसको पढ़ते कैसे हो, ठीक है, उसमें क्या क्या देखते हो आप, और एनाटॉमी के हिसाब से आप पैथोलॉजी क्या देखते हो, ठीक है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। पहले तो बेसिक हम सीखेंगे भी, अगर आप सीटी एब्डोमेन करते हो, प्लेन करते हो या कंट्रास्ट करते हो तो आप उसको रीड कैसे करते हो, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से बेसिक जो एनाटॉमी होती है एब्डोमेन हम करते हैं वो आज सीखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग जो इमेज हमारे सामने है उसी से स्टार्ट करते हैं। नो एनोटेशन कर देते हैं। अब हमारे सामने जो इमेज है ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर कंट्रास्ट है। अब हार्ट में आपको चार चैम्बर दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं चार चैम्बर, ये वाला राइट एट्रियम है, ये वाला राइट वेंट्रिकल है, और ये वाला लेफ्ट एट्रियम है, और ये चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। उसके आगे ये जो पार्ट दिख रहा है ये लीवर है, ठीक है, जो लीवर का सुपीरियर पार्ट है वो दिख रहा है इस इमेज में, और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये लंग्स हैं, और ये हमारा डिसेंडिंग आयोटा है, बाकी ये रिब्स है, ये सारे रिब्स हैं, ये स्टर्नम है ऊपर वाला, ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रे है, इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारे स्पाइनस प्रोसेस है पीछे। अब नीचे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम, पहले चलते हैं जीई जंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन, गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन, ये हमारा इसोफेगस है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप है। और ये देखो ये स्टमक में एंटर, ये स्टमक है सारा जिसमें वाइट वाइट कंट्रास्ट है, ओरल कंट्रास्ट है, ठीक है, ये आईवी कंट्रास्ट नहीं है, ये ओरल कंट्रास्ट है। अब ये इसोफेगस और ये स्टमक के बीच में जो पाइलोरिक स्पिंटर रहता है ना जहाँ से ये एंटर करता है, ये इसको हम जीई जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जीई जंक्शन, ये हमारा हो गया, ये हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर का ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। अब थोड़ा सा डाउन करते हैं तो लीवर हो गया, ये हमारी जो लेफ्ट साइड है ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन है, और ये जो बीच में वेंस दिख रही हैं ये पोर्टल वेंस हैं, ठीक है, ये पोर्टल वेंस हैं, ये आपकी लेफ्ट पोर्टल वेन है और ये राइट पोर्टल वेन है, ये पोस्टीरियर डिवीज़न हो गई, ये आगे जो निकल रही है एंटीरियर डिवीज़न हो गई, ठीक है, ये पोस्टीरियर डिवीज़न हो गई। अब इसमें ये गोल सा दिख रहा है, ये हमारा आईबीसी है, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा, आईबीसी, आईबीसी हो गया। अब हमारा गॉल ब्लैडर कहाँ पे है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है, जस्ट लीवर के नीचे पड़ा है गॉल ब्लैडर है, ये जिसको हम हिंदी में पित्ता बोलते हैं, ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गई, अगर कुछ छूट जाएगा तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, पता भी रहेगा तो, लेकिन वो दिमाग से छूट जाती है वो नोट में, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारा डायफ्राम हो गया, ठीक है, जिसको हम क्रूर ऑफ डायफ्राम बोल देते हैं, ये डायफ्राम हो गया, ये वाला, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, जो बेली ऑर्गन्स हैं और जो लंग्स हैं दोनों को आपस में हटा के रखता है, ठीक है, जो दोनों के बीच में एक दीवार है जिसको वो डायफ्राम होती है, ठीक है, जो बेली ऑर्गन्स हैं वो लंग्स की तरफ नहीं जाते। अब नीचे चलते हैं, ये हमारा पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, ये टेल है, ये बॉडी है और ये पैनक्रियाज का हेड है, ठीक है, पैनक्रियाज का हेड है, ये हमारी दोनों किडनी है, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। और फाइंडिंग नहीं देखेंगे अभी, ठीक है, फाइंडिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ हम एनाटॉमी और कैसे रीड करते हैं, हम क्या क्या देखते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। अब हमारा ये रहा स्टमक, स्टमक से थोड़ा सा स्टमक को ट्रेस करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, ड्यूडेनम की तरफ आते हैं, ठीक है,
ड्यूडेनम कहाँ पे हमारा वो ढूंढते हैं। देखो यहाँ से कंट्रास्ट यहाँ आया, ये नीचे गया, ये ड्यूडेनम का पार्ट है सारा, ठीक है, ये ड्यूडेनम का पार्ट होता है। इसके आगे चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो ये जेजुनम आ जाएगा। हम जहाँ पे कंट्रास्ट जाता है ना उसको ट्रेस करते रहना, ठीक है, ये ट्रेस करते रहना, ये जेजुनम है। अब जो हमारी एब्डोमेन में ये ऊपर दिख रही है ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है। और ये वाली जो राइट साइड दिख रही है ये असेंडिंग कॉलोन है, ठीक है, ये असेंडिंग कॉलोन है ये वाली, और ये वाली डिसेंडिंग कॉलोन है। और ये जो पोर्टल वेन हमारी जो निकलती है ना, ये हमारी पोर्टल वेन मिलती है एक तो स्प्लेनिक वेन से, ठीक है, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, काफ़ी वेन से बनती है ये पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन ऐसा नहीं है कि ये आईवीसी से निकलती है, आईवीसी से नहीं निकलती, ये निकलती है स्प्लेनिक वेन हो गई, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हो गई, ठीक है, ये इनसे निकलती है। आपको थोड़ा बहुत तो पता लग रहा होगा भी मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। और हमारा स्प्लीन हो गया, किडनी हो गई, ये हमारा आईवीसी नीचे डाउन जा रहा है वेन्स में, ये डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, और ये नीचे तक लीवर का पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, ये लीवर का पार्ट एंड हो रहा है। और इसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ये फैट होती है, नीचे ये ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे एनल कैनाल होता है, ये एनल कैनाल है, और ये हमारा प्रोस्टेट होता है, ये प्रोस्टेट है, ये पेनिस है, यहाँ पे सेक्रोटम होते हैं, सैमुअल बेसाइकल्स वगैरह, सेक्रोटम है, यहाँ पे कवर है ये, ठीक है, ये एनल कैनाल है, ये हमारा प्रोस्टेट हो गया। और अब आईवीसी है, देखो ये इंफीरियर वेना कावा है, ये नीचे आके बाइफर्केट हो रही है, राइट साइड जा रही है और एक लेफ्ट साइड जा रही है, ठीक है, इनकी बाइफर्केशन होती है, आर्टरी वैसे बाइफर्केट होती है और ये आईवीसी भी ऐसी होती है, ठीक है। और अगर हम इसको कोर में देखें, ओब्लिक, ये कोर है, ये कॉर्नल सेक्शन है, कॉर्नल में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये आपकी श्वास मसल होती है, ये वाली, ये श्वास मसल है, ठीक है, बाकी जो मसल्स होती हैं ये ग्लूटियल मसल्स होती हैं, मैक्सिमस मीडियस और ये इलियकस मसल्स होती हैं। अब कॉर्नल में आप कैसे देखते हो, कॉर्नल में ये लीवर, ये स्टमक, ये स्प्लीन, ये लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ठीक है, और ये वाला हमारा आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, ये आईबीसी, ये हमारी रीनल वेन है, लेफ्ट रीनल वेन है, ठीक है, ये हमारी राइट रीनल वेन है। और ये जो पतली आंत दिख रही है ये आपकी छोटी आंत होती है, स्मॉल बाउल लूप्स होती है, ठीक है, ये पतली आंत है और ये वाली बड़ी आंत है, ये देखो स्टमक से, ये स्टमक यहाँ से ट्रेस करने सीखो, आपको वीडियो में तो दिखाई नहीं, ये स्टमक है, ये वाला वाइट वाला, इसमें ऑरल कंट्रास्ट है, ये स्टमक है, आप इसमें स्टमक में देखो, स्टमक से ट्रेस करो नीचे तक आओ, ये देखो
यहाँ गया, यहाँ से कंट्रास्ट यहाँ गया, ये जा रहा है कंट्रास्ट इधर आ गया, यहाँ आया कंट्रास्ट। मेरा माउस का जो कर्सर होता है ना, वो उसको देखते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से इधर जा रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे पूरा घूमेगा, ठीक है, ये पूरा घूमेगा। फिर घूमने के बाद ये सीकम होता है ना जहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आके टच होगा। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कंट्रास्ट गया नहीं है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कंट्रास्ट जाता तो ये भी पूरा वाइट हो जाता, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिले करते तो फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में कंट्रास्ट चला जाता नियर अबाउट 2 घंटे के बाद, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसमें क्या बताऊँ आपको, ये रेक्टम है, ये हमारी इलियक बोन है, ये वाली इलियक बोन है, ये हिप जॉइंट है, ठीक है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है लास्ट में, यहाँ पे प्यूबिक रैम आई। कॉर्नल में आप देखोगे अगर हम इसको मिप कर दें, थिकनेस बढ़ा दें इसकी, ये देखो ये मेप इमेज है, आप इसमें वेंस बहुत इजीली देख पाओगे, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट रिनल वेन निकल रही है, और ये देख रहे हो ये वाला जो हमारा ये पोर्टल वेन है, ठीक है, ये पोर्टल वेन है। अब पोर्टल वेन देखो कहाँ से निकल रही है, ये आईबीसी से नहीं जुड़ी है, ये लेफ्ट स्प्लीन से जुड़ी हुई है, ये वाली जो लेफ्ट वेन है और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है इससे जुड़ी हुई है। देखो इसको ट्रेस करो, ये देखो कहाँ जा रही है, ये स्प्लीन में जाएगी, ये गई ना, ये स्प्लीन में जा रही है ना, ये स्प्लीन से भी जुड़ी होती है और पैनक्रियाज से भी जुड़ी होती है, और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक से भी जुड़ी होती है, और ये लिवर से भी जुड़ी होती है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब कौर हो गया, सेज में देख लेते हैं, सेज में बताना है उनका, ये हमारा अम्बिलिकल है, यूरेकल साइनस, छोड़ो इसको, सेज में ये लिवर ऊपर का वीडियो में दिख नहीं रहा, ये लिवर है, ठीक है, ये रीनल किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये स्टमक, ये स्प्लीन, ठीक है, ये स्मॉल बाउल लूप्स हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और क्या बताऊँ आपको इसमें, आर्टेरियल फेस मैंने लिया नहीं, इसमें आर्टेरियल फेस लिया होता तो बता पाता। और वेनस फेस में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बस ये फ्यूमरल वेन्स वगैरह हो गई। चलो बेसिक यही था, अगर इससे कुछ सीखने को मिलेगा तो ज़्यादा बेटर है। वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा मैं, कटिंग वगैरह नहीं कर पाऊँगा, ऐसे अपलोड कर दूँगा, अभी फ्री हुआ था तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, लिम्फ नोड्स होते हैं, किस रीज़न में, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं इस रीज़न में, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गांठें होंगी, ठीक है, गांठें बन जाती हैं, उनको हम बोलते हैं मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गांठें बन जाती हैं यहाँ पे, उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और अगर कुछ और पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।
अगर आप कुछ पूछोगे तो मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मुझे उसके बारे में सीखने का मौका मिलेगा, आपके कमेंट सिखा देते हैं। है तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन अभी अभी वीडियो बंद कर दूंगा तो सब समझ में आएगा, फिर पता चल जाएगा ये बोलना था ये बोलना था, ये रह गया। ठीक है चलो, आज के लिए बहुत है, अगली बार फिर बना देंगे कोई वीडियो।